मैं चैलेंज करता हूं इनको, और ये चैलेंज इस वजह से है कि हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर है। हाँ, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। सवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। हाँ, हमारा ईमान तो और पुख्ता होता है अगर कोई जनाब ऐसे मामलात आ जाए, हम तो और मजबूत होते हैं। कोई गल नहीं, लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गा गा इंज भी सजन बाबा ते उंज भी सजन बाबा, ये तो गल ही कोई नहीं। ये जो कहते हैं ना कि मौलवी कैसे मईशत चलाते हैं, मैंने कहा रहने दो, एक वजारत जो तुम्हारा दिल करे हमारे सपोर्ट कर दो, और एक साल के लिए, और तुम सारे ये पीडीएम वाले 13 और 14 वो शैतान, बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? उसको भी मिला लो, अब्बा जी जुबैडन को भी बुला लो, अगर कोई और तजर्बाकार वो जनाब, वो जिसके प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं, जेल में जाने से प्लेटलेट्स लेकर में जाते हैं, और वहां लंदन में बैठ कर दिन ब दिन टमाटर की तरह हुआ जा रहा है। हाँ, KFC उड़ाए जा रहे हैं कौम के पैसों से, और यहाँ इनका जनाब तबीयत खराब हो जाती है फौरन, जेल में जाते साथ प्लेटलेट्स जमीन के साथ लग गए, और क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या जनाब ये ड्रामा लगाया हुआ है, जिसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं उसको भी बुला लो, इमरान को भी मिला लो, तुम सारे इकट्ठे बैठ जाओ, सारा मुल्क तुम्हारे हवाले, करना नहीं है, करना नहीं है इंशाल्लाह, एक वजारत हमारे हवाले कर दो, एक वजारत हमारा जो तुम्हारा दिल करे, जो खसारे में है PIA रेलवे, कोई जो तुम्हारा दिल करे वो हमारे हवाले कर दो, एक साल बाद अगर उसका दुनिया में पहला नंबर ना हुआ तो हमारा नाम बदल कर।